पिंकुस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और दोस्तों एक बार फिर सेक्टर 24 में हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ चीज़ों के बारे में जो कि अभी तक मैंने नहीं किया अपनी वीडियो। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में कभी यहाँ के रेट, जो रूम के रेंट होते हैं, बिल्डिंग के जो रेट होते हैं, उसके विषय में मैंने कभी बात नहीं किया, लेकिन कोशिश करूँगा। चलिए, आप लोगों ने कुछ कमेंटमेंट करे हैं कि 1 आर के, 1 BHK और 2 BHK का, जैसे कि आप लोग रेट रखते हैं कुछ, तो उसके विषय में आज मैं बात करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो इसके विषय में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूँ धर्मपाल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं कुछ वीडियो। और रही बात दोस्तों की, हम जब आप लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छा एरिया कौन सा रहेगा ये शॉप के लिए देख लें, या फिर आप रेंट रूम रेंट में लेना चाहते हैं, या फिर हमेशा के लिए लेना चाहते हैं, तो इसके विषय में अगर खुद आप चूज़ करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम अपने हिसाब से देखें तो हमें तो सब एरिया अच्छा लगता है यहाँ रहने के लिए, और लगभग सभी एरिया अच्छा है। कहीं का भी एरिया ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है और ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस एरिया में सभी अच्छा है। और बाकी आपको, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, यहाँ के जितने भी एरिया हैं, तो सबसे पहला सवाल उठता है गाइस कि हमें रहना कौन सा एरिया में। और मतलब हर कोई सोचता है कि एक अच्छा एरिया मिले और वहाँ पे हर चीज़ का सुविधा हो, जहाँ पे जैसे कि स्कूल हो या और फिर हमारे ज़रूरतें की चीज़ होती है, दुकान हो, मेडिकल स्टोर, मेडिसिटी हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ढूंढते हैं। सो गाइस, जब हम बात करते हैं किसी एरिया के बारे में, तो हम रेट तय कर लेते हैं, रेट सुन लेते हैं, तो हम कई उसके बाद हम एरिया देखने लगते हैं। तो इससे अच्छा कि मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस एरिया में देख रहे हैं, कोई भी एरिया हो, जैसे कि उल्वे के सेक्टर 24 हो या फिर 25 हो, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि फिलहाल मैं इसको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन इस रेट को जानने से पहले आप सबसे अच्छा कि खुद डिसीजन करें कि हमें किस एरिया में कंफर्टेबल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों का सुविधा हम ढूंढते हैं, तो हमें अच्छे जगह में मार्केट भी चाहिए, अच्छे जगह में मेडिकल स्टोर भी चाहिए, मेडिकल स्टोर। और जब हम दोस्तों, अगर हम जहाँ पे रूम ले रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधा नहीं मिल रही, तो हम वहाँ पे संतुष्ट नहीं होते हैं, आप सब जानते हैं। तो इससे अच्छा डिसीजन आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। इसलिए कि मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके बारे में खुद सोचें, और क्योंकि आपसे अच्छा कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा इसके विषय में। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो गाइस, मैं और भी कुछ बातें बताना चाहूँगा आप लोगों को, तो क्योंकि हम यहाँ पे उल्वे में जितने भी वीडियो दिखाए हैं वो सारे अच्छे हैं, लेकिन ये क्या है, अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बहुत सारे सुविधा नहीं है, और धीरे धीरे ये भी इस यहाँ पे भी सारा चीज़ आ जाएगा, जैसे कि मेडिकल स्टोर, स्कूल और बहुत सारी चीज़ हैं जो धीरे धीरे आएंगे। और क्योंकि ये अभी शुरुआती दौर है, तो फिलहाल अगर आप सेक्टर 24 में भी लेते हैं या तो फिर 26 तो अभी बना नहीं है, तो ये अभी 2 सेक्टर है जो 24 और 25 है, तो ये लगभग सारी सुविधा आपको 19 में मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो सभी सेक्टर अच्छे हैं, सेक्टर के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो चूज़ कर मतलब यहाँ पे बिल्डिंग लेने का सोचते हैं, 1 आर जो आप लोगों का कमेंट है कि 1 आर के और 1 BHK जो भी है, तो अगर आपको सारी सुविधा जहाँ पे मिलती है तो उस एरिया में ढूंढिए, क्योंकि उल्वे में सारे सेक्टर सही हैं। और इंसान को अगर जहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब सारी सुविधा मिल जाते हैं, वहाँ पे अच्छा होता है। तो आशा करूँगा कि मेरी ये छोटी सी वीडियो में आप लोगों को सहायता मिले। तो चलिए और भी कुछ दिखाएंगे यहाँ पे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो
सो गाइस, अब चलिए रेट के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ के प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी मैंने अपने पूरे वीडियो में बताया कि अगर यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ के प्रॉपर्टी जो लेते हैं, तो हम बात करेंगे जी प्लस फोर तक का। तो यहाँ पे आपको 37, 36 और 35 तक मिल जाते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने से पहले आप पूरे जानकारी ले लीजिएगा। और आपको यहाँ पे दो प्रकार के प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि एग्री डेवलपमेंट और दूसरा ट्राइपार्टी प्रॉपर्टी। तो हालांकि एग्री डेवलपमेंट आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर देख रहा हूँ तो आपको ट्राइपार्टी अच्छा रहेगा। तो इसके विषय में आप जांच कर लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से ट्राइपार्टी अच्छा रहेगा। तो चलिए, छोटा सा जानकारी आपके लिए था, और ये छोटा सा जानकारी आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और हम आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारी देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।